नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे वीडियो में। आज देखिए हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न से नाश्ता। उसके लिए क्या चाहिए, आधा टमाटर देखिए हम काट लिए हैं, धनिया की पत्ता, दो मीडियम साइज प्याज है, दो मिर्ची, आधा नींबू, लहसुन की कली देखिए हम छील लिए हैं, और एक कटोरी हम इस मक्का को अलग करके रखे हैं, और बेसन, और है ये चावल का आटा। अभी सबको हम दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। हम इस मक्के को, एक कटोरी मक्के को हम पीस लेंगे जार में डाल के। और मक्के को जो हम पीसेंगे उसको हम दरदरा ही पीसेंगे, और उसमें हम ये लहसुन की कली डाल देंगे। आप मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम मिर्ची इसलिए डाल रहे हैं कि बच्चे खाएं तो मिर्ची निकाल सकते हैं, इसलिए हम चलिए अब पीस के दिखाते हैं। देखिए इसमें हम डाल दिए प्याज जो काट के रखे थे, टमाटर, धनिया के पत्ता, और एक कटोरी मक्का स्वीट कॉर्न इसी कटोरी से। अब इसमें हम इस मक्का को जो हम दरदरा पीसे हैं इसको हम निकाल देंगे इसमें, और इसमें हम और डालेंगे बाइटिंग के लिए, अच्छा सा घोल हो इसलिए। देखिए हम एक चम्मच चावल के आटा डालेंगे और बेसन हम पीछे डालेंगे, क्योंकि उसको भी मिला के तब हम दिखाते हैं आपको। इसको हम निकाल दिए, देखिए अब इसको हम मिलाएंगे, और हम इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन भी अधिक नहीं डालेंगे हम, बस, और नमक स्वाद अनुसार। एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, हल्का सा गोल मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर, और देखिए नींबू। अब इसको हम मिलाएं अच्छे से, हाथ से मिला देते हैं इसको अच्छे से। अगर थोड़ा भी टाइट हो तो इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे, एक चम्मच, बड़े चम्मच से। आप भी इस तरह से नाश्ता बनाइए। अभी सीजन चल रहा है स्वीट कॉर्न का। देखिए इसमें हम रिफाइन लगा दिए हैं, इसको हम चारों तरफ से ग्रेटिंग कर देंगे इसे। ये अप्पे में ही हम बनाने वाले थे इसलिए हम आपको बताए नहीं थे, हम ये दिखाएंगे। इसको एक एक चम्मच ऐसे अच्छा सा ऐसे कर दीजिए, आंच मीडियम कर दीजिए। हम डाल दिए, अब इसको हम ढक देंगे, क्योंकि स्वीट कॉर्न कच्चा है उसको पकना चाहिए, इसलिए इस तरह से मीडियम आंच पर ही। अब इसको देखिए पलटते हैं, खोलते हैं, खोल के देखते हैं कि कैसा है। ये देखिए बहुत अच्छे से पलटा जाएगा, पक जाएगा, तो देखें पक गया कि नहीं। ये देखिए पक गया, इसको पलट के दोनों साइड हम सेक लेंगे अच्छे से। देखिए
देखिए मेरा कुछ पक गया था तो पलट दिए हैं, कुछ नहीं पका है तो नहीं पलटे हैं। अब इसी तरह से इसको सेक के अच्छे से निकालते हैं। अब अगर बच्चे लोग के लिए बना रही हैं, हेल्दी बना रही हैं, तो इसमें आप शिमला मिर्च, गाजर और चीज ये सब डाल सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद से खाएं। देखिए खाने के लिए तैयार है, ये पक गया अच्छे से, देखिए दोनों से इसी तरह से पका के। अब ये चटनी के साथ खाने के लिए तैयार है, सॉस के साथ खाइए, बच्चे लोग सॉस के साथ पसंद करेंगे। और मैं आम और पुदीना, धनिया पत्ता, लहसुन मिर्चा का चटनी पीसे हैं। चटनी का वीडियो तो मैं बना के डाल चुकी हूँ, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।